ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे भगवान श्री कृष्ण के जीवन की 10 प्रमुख घटनाएं और उनसे हुए जुड़े 10 अमूल्य सबक। तो इस वीडियो को कृपया ध्यान करके एंड तक सुनिएगा क्योंकि हर घटना में एक सबक है। भगवान श्री कृष्ण का जीवन मनुष्य जाति के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में ऐसी अनेक लीलाएं की हैं जिसमें लाइफ मैनेजमेंट के बहुत ही गहरे सूत्र छिपे हुए हैं। आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी कुछ रोचक हिस्से और उसमें छिपे लाइफ मैनेजमेंट के सूत्र बताने वाले हैं कि जो घटना थी उससे रिजल्ट क्या और हमें क्या सीखना चाहिए। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो है द्रौपदी के बारे में। द्रौपदी का चीरहरण होते समय भगवान ने उसकी सहायता की और उसकी साड़ी को इतना बढ़ा दिया कि दुशासन उतार ना सका। इसके पीछे क्या कारण है? कृष्ण ने द्रौपदी की सहायता की? महाभारत से इस बात का जवाब है। बात उस समय की है जब पांडव ने हस्तिनापुर से अलग होकर अपने लिए इंद्रप्रस्थ का निर्माण किया। भगवान कृष्ण के मार्गदर्शन में ही सारा निर्माण हुआ। इसके बाद युधिष्ठिर का राजतिलक हुआ। राजतिलक करके राजस्व यज्ञ किया गया। इसमें दुनिया भर के राजाओं ने भाग लिया। यज्ञ में अगर पूजा की बात आई, पांडवों ने युधिष्ठिर से कहा कि सबसे पहले किसकी पूजा करेंगे। पंडितों ने पूछा युधिष्ठिर से, तो भीष्म के कहने पर भगवान कृष्ण का नाम अगर पूजा के लिए तय हुआ। लगभग सभी राजा इसके लिए तैयार थे, लेकिन कृष्ण के जो बुआ थे शिशुपाल, वो इसके लिए तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि राजाओं की सभा में एक ग्वाले की अगर पूजा करना सभी राजाओं का अपमान करने जैसा है। उसने श्री कृष्ण को गालियां देना शुरू कर दिया। शिशुपाल के जन्म के समय ही यह भविष्यवाणी हो चुकी थी कि इसकी मौत कृष्ण के हाथों होगी, लेकिन कृष्ण ने अपनी बुआ को यह भरोसा दिलाया था कि वो 100 बार शिशुपाल को अपमान सहन करेंगे, इसके बाद ही उसका वध करेंगे। सभा में शिशुपाल ने सारी मर्यादाएं तोड़ दी और अनेकों बार कृष्ण का अपमान किया। 100 बार पूरा होते ही कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध कर दिया। चक्र के प्रयोग से उनकी उंगली कट गई और उसमें से खून बहने लगा। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। उस समय कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया था कि इस कपड़े के एक एक धागे का कर्ज वे समय आने पर चुकाएंगे। यह ऋण उन्होंने चीर हरण के समय चुका दिया। अभी हमें क्या सबक लेना चाहिए हमारी लाइफ मैनेजमेंट के हिसाब से? अच्छा काम भविष्य की फिक्स डिपॉजिट की तरह होती है, जो समय आने पर आपको ब्याज सहित वापस मिलता है। अब गोवर्धन पर्वत के ऊपर आते हैं। गोवर्धन पर्वत को श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठा लिया था। महाभारत काल में वर्षा ऋतु के बाद गांव में देवराज इंद्र का आभार प्रकट करने के लिए यज्ञ किए जाते थे। इंद्र मेघों का देवता है और उन्हीं के आदेश से मेघ यानी बादल धरती पर पानी बरसाते हैं। हमेशा मेघ पानी बरसाते रहे जिससे गांव और शहरों में अकाल जैसी स्थिति न बने। इसके लिए यज्ञ के जरिए इंद्र को प्रसन्न किया जाता था। ब्रज मंडल में भी उस दिन ऐसे ही यज्ञ का आयोजन था। लोगों का मेला देखकर, यज्ञ की तैयारियां को देखकर कृष्ण ने पिता नंद से पूछा कि क्या हो रहा है। नंद ने उन्हें यज्ञ के बारे में बताया। कृष्ण ने कहा कि इंद्र को प्रसन्न रखने के लिए यज्ञ क्यों? पानी बरसाना है तो मेघों का कर्तव्य है और उन्हें आदेश देना इंद्र का कर्तव्य है। ऐसे में उनको प्रसन्न करने का सवाल ही कैसे उठता है? ये तो उन्हें अपने कर्तव्य को पालन करने के लिए रिश्वत देने जैसी बात है। ब्रजवासियों ने कृष्ण को समझाया कि अगर यज्ञ नहीं हुआ तो इंद्र क्रोधित हो जाएंगे, इससे पूरा ब्रजमंडल पर संकट आ सकता है। कृष्ण ने कहा कि अगर पूजा और यज्ञ ही करना है तो गोवर्धन पर्वत की किया जाए, क्योंकि उसके बिना किसी प्रतिफल की आशा में हमारे पशुओं का भरण पोषण करता है, वह हमें औषधियां देता है। बहुत बहस के बाद ब्रजवासी कृष्ण की बात से सहमत हो गए और उन्होंने इंद्र के यज्ञ की बजाय गोवर्धन की पूजा शुरू कर दी। इससे भगवान इंद्र जो थे वो क्रोधित हो गए और उन्हें पूरे ब्रजमंडल पर भयंकर बरसात शुरू कर दी। ब्रजवासी डर गए, नदियां तालाब सभी उफन गए, बाढ़ आ गई।
ब्रज डूबने लगा और लोगों के प्राण संकट में आ गए। सभी ने कृष्ण से कहा कि देखो तुम्हारे कहने पर इंद्र नाराज हो गए और देखो उन्होंने क्या किया, उसने कैसा प्रलय मचा दिया है, अभी गोवर्धन हमारी रक्षा कैसा करेगा। कृष्ण ने कहा कि यही गोवर्धन हमारी रक्षा करेगा। कृष्ण ने अपने दाहिने हाथ की छोटी उंगली पर गोवर्धन को उठा लिया और सारे गांव वाले उसके नीचे आ गए, वे बारिश की बौछार से बच गए। भगवान ने ग्वालों से कहा कि सभी मेरी तरह गोवर्धन को उठाने में सहायता करो, अपनी अपनी लाठियों का सहारा दो। ग्वालों ने अपनी लाठियां गोवर्धन से टिका दी। इंद्र को हार माननी पड़ी, उनका अहंकार नष्ट हो गया, वो कृष्ण की शरण में आ गए। भगवान ने उसे समझाया कि अपने कर्तव्यों को पालन के लिए किसी प्रतिफल की आशा नहीं करनी चाहिए, जो हमारा कर्तव्य है उसे बिना किसी लालच के पूरा करना चाहिए। लाइफ मैनेजमेंट में हमें क्या सीख मिलती है वो सुनिए। कृष्ण ने यहाँ सीधे रूप से लाइफ मैनेजमेंट के तीन सूत्र दिए हैं। पहला यह कि भ्रष्टाचार बढ़ाने में दोनों पक्षों का हाथ होता है, एक जो कर्तव्यों को पालन के लिए अनुचित लाभ की मांग करता है, दूसरा वो पक्ष जो ऐसी मांगों पर बिना विचार की और विरोध के लाभ पहुंचाने का काम करता है। इंद्र मेघों का राजा है लेकिन पानी बरसाना उनका कर्तव्य है, इसलिए उनकी पूजा करने की बजाय या उसके यज्ञ किए जाएं तो आवश्यक नहीं है। अनुचित मांगों पर विरोध जरूरी है। जो लोग किसी अधिकारी या जनप्रतिनिधि को उसके कर्तव्यों की पूर्ति के लिए रिश्वत देते हैं तो वे भी भ्रष्टाचार फैलाने के दोषी हैं। लाइफ मैनेजमेंट का दूसरा सूत्र प्राकृतिक संसाधनों का सम्मान का। पहाड़, नदी, वन, पेड़ पौधे, ये सब हमारे रक्षक हैं, मित्र हैं, हमें इनका सम्मान करना चाहिए क्योंकि ये हमारे लिए कई कष्ट झेलते हैं लेकिन हमसे हमारी सहायता करते हैं। उनके सम्मान से ही प्रकृति का संतुलन बना रहता है। लाइफ मैनेजमेंट का तीसरा सूत्र अपनी जिम्मेदारी खुद उठाने की। भगवान ने जब गोवर्धन पर्वत को उठाया तो ग्वालों से भी अपनी लाठियों का सहारा देने के लिए कहा, जबकि सारा भार श्री कृष्ण ने खुद उठा रखा था। भगवान समझा रहे हैं कि तुम्हारी रक्षा की सारी जिम्मेदारी मेरी है लेकिन फिर भी तुम्हें अपने प्रयास जो है खुद करने पड़ेंगे। सिर्फ मेरे भरोसे रहने से काम नहीं चलेगा, कर्म तो तुम्हें ही करने होंगे। अगर पूरी तरह से भगवान के भरोसे बैठ जाओगे तो आत्मविश्वास खो जाएगा, फिर हर मुसीबत में भगवान को ही याद करोगे। फिर कृष्ण ने द्वारका को राजधानी क्यों चुना? मथुरा में कंस के बाद भगवान कृष्ण को वसुदेव और देवकी ने शिक्षा ग्रहण करने के लिए अवंतिका नगरी, वर्तमान में मध्य प्रदेश में उज्जैन है, अवंतिका नगरी में गुरु सांदीपनी के पास भेजा। बड़े भाई बलराम के साथ श्री कृष्ण पढ़ने के लिए आ गए। यहीं पर सुदामा से उनकी मित्रता हुई। शिक्षा ग्रहण करने के बाद जब गुरु दक्षिणा की बात आई तो ऋषि संदीपनी ने कृष्ण से कहा कि तुमसे क्या मांगू, संसार में कोई वस्तु नहीं जो तुमसे मांगी जाए और तुम ना दे सको। श्री कृष्ण ने कहा कि आप मुझसे कुछ भी मांग लीजिए, मैं लाकर दूंगा, तभी गुरु दक्षिणा पूरी हो पाएगी। ऋषि सांदीपनी ने कहा कि शंकासुर नाम के एक दैत्य मेरे पुत्र को उठाकर ले गया है, उसे लौटा लाओ। कृष्ण ने गुरु पुत्र लौटा लाने का वचन दे दिया और बलराम के साथ उसे खोजने निकल पड़े। खोजते खोजते सागर किनारे तक आ गए। यह प्रभास क्षेत्र था जहां चंद्रमा की प्रभा यानी चमक समान होती थी। समुद्र से पूछने पर उसने भगवान को बताया कि पंचस जाति का दैत्य शंख के रूप में समुद्र में छुपा है, हो सकता है उसी ने आपके गुरु पुत्र को खाया हो। भगवान ने समुद्र में जाकर शंखासुर को मारकर उसके पेट में अपने गुरु पुत्र को खोजा लेकिन वहां नहीं मिला। तब श्री कृष्ण यमलोक गए। श्री कृष्ण ने यमराज से अपने गुरु पुत्र को वापस ले लिया और गुरु सांदीपनी को उनका पुत्र लौटाकर गुरु दक्षिणा पूरी की। भगवान कृष्ण ने तभी प्रवास क्षेत्र को पहचान लिया था। यहां बाद में उन्होंने द्वारकापुरी का निर्माण किया। भगवान ने प्रवास क्षेत्र की विशेषता देखी। उन्होंने तभी विचार कर लिया था कि समुद्र के बीच में बसाया गया नगर सुरक्षित हो सकता है। जरासंध ने 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया। उसके बाद काल यवन के साथ मिलकर फिर हमला किया। तब कृष्ण प्रवास क्षेत्र में द्वारका निर्माण का निर्णय लिया ताकि मथुरावासी आराम से वहां रह सके, कोई भी राक्षस या राजा उन पर आक्रमण न कर सके।
अभी लाइफ मैनेजमेंट और सीखने वाली बात क्या है इसमें, आप बताएं, आप सोचें, शायद सोचने में वक्त निकल जाएगा और वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मैं आपको बता देता हूं, कई बार वर्तमान में भी भविष्य की समस्याओं का हल छुपा होता है, बस जरूरत होती है सही नजरिए और दूरदृष्टि की। अभी तीसरा आगे का जो अगला है, जब कृष्ण ने खेल खेल में यमुना को प्रदूषण मुक्त किया था, एक बार श्री कृष्ण मित्रों के साथ यमुना नदी के किनारे गेंद से खेल रहे थे, भगवान ने जोर से गेंद फेंकी और वो यमुना में जा गिरी, भारी होने से वो सीधे यमुना के तल में चली गई। मित्रों ने कृष्ण को कोसना शुरू कर दिया, कहने लगे तुमने गेंद को यमुना में फेंका, तुम्हें बाहर लेकर आओ। अब समस्या ये थी कि उस समय यमुना में कालिया नाग रहता था, 5 फनों वाला नाग, बहुत खतरनाक और विस्तृत था, उसके वजह से यमुना काली हो रही थी और उसी जहर के कारण गोकुल के पशु यमुना का पानी पीकर मर रहे थे। कालिया नाग गरुड़ की डर से यमुना में छिपा हुआ था। काना बहुत छोटे थे, लेकिन मित्रों के जोर के कारण उन्होंने तय किया कि गेंद वो ही निकाल कर लाएंगे। काना ने यमुना में छलांग लगा दी, सीधे तल में पहुंच गए। वहां कालिया नाग अपनी पत्नियों के साथ रह रहा था। काना ने उसे यमुना छोड़कर सागर में जाने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं माना और अपने विष से उन पर प्रहार करने लगा। फिर श्री कृष्ण ने कालिया नाग की पूंछ पकड़कर उसे मारना शुरू कर दिया। बहुत देर हो गई तो मित्रों को चिंता होने लगी, उन्हें गलती का एहसास हुआ और वे रोले चिल्लाने लगे। कुछ दौड़कर नंद यशोदा और अन्य गोकुल वासियों को बुला लाया। यमुना के किनारे सभी चिल्लाने लगे। यशोदा सहित जितने भी औरतें थी सब रोने लगी। इधर कृष्ण और कालिया नाग का युद्ध जारी था। भगवान ने उसके फन पर चढ़कर उसका सारा विष निकाल दिया। विषहीन होने और थक जाने पर कालिया नाग ने भगवान से हार मानकर उनसे माफी मांगी। श्री कृष्ण ने उसे पत्नियों सहित सागर में जाने का आदेश दिया। खुद कालिया नाग भगवान को अपने फन पर सवार करके यमुना के तल से ऊपर लेकर आया। गोकुल वासियों को शांति मिली, कालिया नाग चला गया, यमुना को उसके विष से मुक्ति मिल गई। अभी लाइफ मैनेजमेंट क्या सिखाता है हमें, आप सोचिए, शायद नहीं सोच पाएंगे इतना जल्दी, तो मैं आपको बता देता हूं। वास्तव में कालिया नाग प्रदूषण का प्रतीक है। हमारे देश की अधिकतर नदियां भी प्रदूषण के जहर से आहत है। भगवान कृष्ण इस कथा के जरिए संदेश दे रहे हैं कि नदियों को प्रदूषण से मुक्त रखना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। अगर हम अपने प्राकृतिक संसाधनों के प्रति संवेदनशील नहीं हैं, तो इसका नुकसान भी हमें उठाना होगा। जैसे गोकुल वासियों ने विष के डर से कालिया नाग को यमुना से भगाने का प्रयास नहीं किया, तो उनके ही पशु उसके विष से मारे गए। हम आगे चलते हैं। कृष्ण से हमने युद्ध की तैयारी के बारे में सीखा है। महाभारत युद्ध में भीष्म के तीरों के सैया पर सो जाने के बाद गुरु द्रोणाचार्य को कौरव सेना का सेनापति नियुक्त किया गया। द्रोण को हराना मुश्किल होता जा रहा था और वो पांडवों की सेना को लगातार खत्म कर रहे थे। ऐसे में सभी पांडव भाई कृष्ण की शरण में आए। उन्होंने कृष्ण से पूछा कि गुरु द्रोण को कैसे रोका जाए। तब कृष्ण ने एक युक्ति सुझाई। उन्होंने कहा कि अवंतिका नगरी के राजपुत्रों विंद और अनुविंद की सेना में अश्वत्थामा नामक हाथी है, उसे खोज कर मारा जाए और गुरु द्रोण तक यह संदेश पहुंचाया जाए कि अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा द्रोण के पुत्र का भी नाम था, जो उन्हें बहुत प्रिय था। भीम ने उस हाथी को खोज कर मार डाला और गुरु द्रोण के सामने चिल्लाने लगा कि मैंने अश्वत्थामा को मार दिया। गुरु द्रोण ने युधिष्ठिर से पूछा तो उन्होंने कहा कि अश्वत्थामा मरा है, वो हाथी है या नर ये पता नहीं। इस पर गुरु द्रोण ध्यान लगाकर अपनी शक्ति से ये पता लगाने के लिए बैठे और उन्हें धृष्टद्युम्न ने उनको मार दिया। अभी लाइफ मैनेजमेंट क्या सिखाता है इसमें, इतना जल्दी सोच पाना बहुत मुश्किल है, मैं आपको बताता हूं। किसी भी युद्ध में जहां योद्धाओं का नाम याद रखना मुश्किल होता है, कृष्ण ने एक हाथी तक का नाम याद रखा। इसी तरह इस प्रतियोगी दुनिया में किसी भी तरह की जानकारी का होना बहुत अच्छा है, लेकिन उस जानकारी का सही उपयोग ही आपको सफल बना सकता है। हम आगे चलते हैं। जब अर्जुन के लिए कृष्ण ने कर्ण के तीर से महाभारत युद्ध में
कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे। युद्ध रोमांचक होता जा रहा था। दोनों योद्धा एक दूसरे पर शक्तियों का प्रयोग कर रहे थे। कर्ण ने अर्जुन को हराने के लिए सर्प वान का उपयोग करने का विचार किया। इस वान को कर्ण ने वर्षों से संभाल कर रखा था। पाताल लोक में अश्वसेन नाम का नाग था जो अर्जुन को अपना शत्रु मानता था। खांडव वन में अर्जुन ने उसकी माता का वध किया था। अश्वसेन तभी से अर्जुन को मारने के लिए मौके की तलाश में था। कर्ण को सर्प वान का संधान करते देख अश्वसेन खुद वान पर विराजित हो गया। कर्ण ने अर्जुन पर निशाना साधा। अर्जुन का रथ चला रहे भगवान कृष्ण ने अश्वसेन को पहचान लिया। अर्जुन के प्राणों की रक्षा के लिए भगवान ने अपने पैरों से रथ को दबा दिया। रथ के पहिए जमीन में धंस गए, घोड़ा बैठ गया और तीर अर्जुन के गले की बजाय उसके मस्तिष्क पर जा लगा। इससे उसका मुकुट छिटक कर धरती पर जा गिरा। अर्जुन और भगवान कृष्ण रथ के धसे पहिए निकालने के लिए नीचे उतरे। तभी मौका देखकर कर्ण ने अर्जुन पर वार शुरू कर दिया और कृष्ण को 12 तीर मारे। अर्जुन की रक्षा के लिए भगवान ने वो तीर भी अपने ऊपर झेले। भगवान ने अर्जुन को अश्वसेन के बारे में बताया। अर्जुन ने 6 तीरों से अश्वसेन के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब लाइफ मैनेजमेंट क्या बताता है वो इंपॉर्टेंट है। जब आप अपना काम ईमानदारी से करते हुए भगवान पर पूर्ण रूप से भरोसा करते हैं तो सब तरह से आपकी जिम्मेदारी ले लेते हैं, हर तरह के संकट से आपकी रक्षा करते हैं। कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि हमेशा प्लान बी होना चाहिए। एक बार भगवान कृष्ण ग्वालों के साथ गाय चराते बहुत दूर तक निकल गए। उन्हें भूख लगने लगी, आसपास कोई साधन नहीं था। उन्होंने ग्वालों से कहा कि पास एक यज्ञ का आयोजन हो रहा है, वहां जाओ और भोजन मांग कर ले आओ। ग्वालों ने वैसा ही किया। वे यज्ञ मंडप में गए और वहां भोजन की मांग की। ग्वालों ने कहा कि नंद पुत्र कृष्ण थोड़ी दूर पर ठहरे हुए हैं, उन्हें भूख लगी है, थोड़ा भोजन दे दीजिए। यज्ञ का आयोजन कर रहे ब्राह्मणों ने भोजन देने से मना कर दिया। उनका मत था कि जब तक यज्ञ देवता को भोग न लग जाए तब तक किसी को भोजन नहीं कर सकते, भोजन नहीं दे सकते। ग्वाले लौट आए। कृष्ण ने उनसे पूछा कि भोजन क्यों नहीं लाए, तो ग्वालों ने ब्राह्मणों की बात उनसे कह दी। कृष्ण ने उनसे कहा कि एक बार फिर जाकर मांगो, शायद इस बार भोजन मिल जाए। ग्वालों ने फिर वैसा ही किया लेकिन फिर भी जवाब वही मिला और एक खाली हाथ लौट कर आ गए। भगवान ने कहा एक बार फिर जाओ, इस बार ब्राह्मणों से नहीं उनकी पत्नियों से भोजन मांगना। ग्वालों ने कहा कि वे भी वही जवाब देंगी तो उनकी जो उनकी पत्नियों ने दिया है। तो कृष्ण ने कहा नहीं, वे मुझे चाहती हैं, वे तुम्हें भोजन अवश्य देंगी। ग्वालों ने वैसा ही किया। ब्राह्मण की पत्नियों ने कृष्ण के लिए भोजन मांगा तो तत्काल उनके साथ भोजन लेकर वहां आ गई जहां कृष्ण ठहरे हुए थे और सबने प्रेम से भोजन किया। ब्राह्मण पत्नियों ने कृष्ण को अपने हाथ से परोसा और भोजन करवाया। ग्वाले इस बात से हैरान थे, भोजन करके सभी तृप्त हो गए। ये कहानी बहुत साधारण और छोटी है लेकिन इसके पीछे का संदेश बहुत ही काम का है। कृष्ण ने ग्वालों को बार बार भोजन लेने के लिए भेजा, आखिर बार को छोड़कर हर बार निराशा ही हाथ लगी। कृष्ण कह रहे हैं कि व्यक्ति को कभी प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए, सफलता के लिए लगातार प्रयास करते रहे। लेकिन अगर एक ही प्रयास में बार बार असफलता मिले तो खुद की योजना पर भी विचार करना आवश्यक होता है। अभी लाइफ मैनेजमेंट या जो सीख है हमें क्या मिलती है? अगर एक ही दिशा में लगातार प्रयासों में असफलता मिल रही है तो अपने प्रयासों की दिशा भी बदल देनी चाहिए। किसी भी समस्या पर हमेशा दो नजरिए सोचना चाहिए, अर्थात आपके पास हमेशा दूसरा प्लान जरूर होना चाहिए, मतलब प्लान बी। अब एक बार अश्वत्थामा ने कृष्ण का सुदर्शन चक्र मांग लिया। एक बार पांडव और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा द्वारिका पहुंच गए। भगवान कृष्ण ने उनका बहुत स्वागत किया और उसे अतिथि के रूप में अपने महल में ठहराया। कुछ दिन वहां रहने के बाद एक दिन अश्वत्थामा ने श्री कृष्ण से कहा कि वो उसका अजय ब्रह्मास्त्र लेकर उसे अपना सुदर्शन चक्र दे दे। भगवान ने कहा ठीक है, मेरे किसी भी अस्त्र से जो तुम चाहो उठा लो, मुझे तुमसे बदले में कुछ भी नहीं चाहिए। अश्वत्थामा ने भगवान के सुदर्शन चक्र को उठाने का प्रयास किया लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। उसने कई बार प्रयास किया लेकिन हर बार उसे असफलता मिली। उसने हार कर भगवान से चक्र न लेने की बात कही।
भगवान ने उसे समझाया कि अतिथि की एक सीमा होती है, उसे कभी वो चीजें नहीं मांगनी चाहिए जो उसके सामर्थ्य से बाहर हो। श्री कृष्ण ने कहा कि चक्र मुझे अत्यंत प्रिय है, इसे 12 साल तक घोर तपस्या करने के बाद पाया है, उसे तुमने ऐसे ही मांग लिया बिना किसी प्रयास के। अश्वत्थामा बहुत शर्मिंदा हुआ, वो बिना किसी अस्त्र शस्त्र को लिए ही द्वारिका से चला गया। अभी हमें सीख क्या मिलती है? अपनी कोशिश के अनुपात में फल की आशा करनी चाहिए, साथ ही किसी से कुछ भी मांगते समय अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए। एक बार जब अर्जुन ने कृष्ण के विरोध में ब्राह्मणों का साथ दिया था, द्वारका में भगवान कृष्ण की राजसभा का नाम था सुधर्मा सभा। एक दिन सुधर्मा सभा में भगवान कृष्ण के साथ अर्जुन भी बैठे हुए थे, तभी एक ब्राह्मण आकर भगवान कृष्ण को उलाहने देने लगा। ब्राह्मण के घर जब भी कोई संतान होती वो पैदा होती ही मर जाती थी। ब्राह्मण ने कृष्ण पर आरोप लगाया कि तुम्हारे छल कपट भरे कामों के द्वारा द्वारिका में नवजात बच्चों की मौत हो जाती है। भगवान कृष्ण चुप रहे, ब्राह्मण लगातार भगवान पर आरोप लगाता रहा। यह देखकर अर्जुन से रहा नहीं गया, उसने ब्राह्मण से कहा कि वो भगवान पर आरोप लगाना बंद करे, उसके पुत्र की रक्षा करेंगे। मतलब अर्जुन उसके पुत्र की रक्षा करेंगे। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि यह सब नियति का खेल है, उसमें हस्तक्षेप न करें। लेकिन अर्जुन ने भगवान कृष्ण की बात नहीं मानी और उसने ब्राह्मण को वचन दे दिया कि वो उसके बच्चों को यमराज से बचाएगा, अगर नहीं बचा पाया तो खुद का ही प्राण त्याग देगा। ब्राह्मण लौट आया। जब उसकी पत्नी को बच्चा होने वाला था, ब्राह्मण अर्जुन के पास पहुंचा। अर्जुन ने ब्राह्मण के घर की घेराबंदी कर दी, लेकिन जैसे ही बच्चे ने जन्म लिया, यमजू नवजात बच्चे को प्राण लेकर चले गए। अर्जुन बालक के प्राण नहीं बचा सका, ब्राह्मण उसे धिक्कारने लगा। अर्जुन बालक के प्राणों को लेने के लिए यमपुरी तक गए, लेकिन बालक को नहीं बचा सके। वचन का पालन करने के लिए अर्जुन ने अपने प्राण त्यागने का प्रण किया। ये बात भगवान को पता चली, वे अर्जुन के पास पहुंचे। अर्जुन प्राण त्यागने के लिए तैयार बैठे हुए थे, भगवान ने उन्हें समझाया। वे अर्जुन को लेकर अपने धाम गए। वहां पर अर्जुन ने देखा कि ब्राह्मण के सारे बच्चे भगवान की शरण में। भगवान ने अर्जुन को समझाया कि कभी बिना सोचे समझे किसी को वचन नहीं देना चाहिए। फिर भगवान ने अर्जुन को बचाने के लिए ब्राह्मण पुत्रों को प्राण यमराज से लौटा लाए। लाइफ मैनेजमेंट क्या सिखाता है? हमें अपने ऊपर कितना भी आत्मविश्वास हो, असंभव सा वादा नहीं करना चाहिए। एक बार कृष्ण ने युधिष्ठिर को बहुत फटकारा था। महाभारत युद्ध का आखिरी दिन था। दुर्योधन कुरुक्षेत्र स्थित तालाब में जाकर छुप गया था। सारी कौरव सेना समाप्त हो चुकी थी। दुर्योधन के अलावा कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कृतवर्मा ही कौरव सेना में शेष बचे हुए थे। पांडव दुर्योधन को खोजते हुए तालाब के किनारे पहुंचे। तालाब में छिपे दुर्योधन से युधिष्ठिर ने बात की। दुर्योधन ने कहा कि तुम पांच भाई और मैं अकेला हूं, हमें युद्ध कैसे हो सकता है? युधिष्ठिर ने दुर्योधन से कहा कि हम पांचों तुम्हारे साथ नहीं लड़ेंगे, तुम हम में से किसी एक को युद्ध के लिए चुन लो, अगर तुमने उसे हरा दिया तो हम तुम्हें युद्ध में जीता मानकर राज्य तुम्हें सौंप देंगे। युधिष्ठिर की बात सुनकर श्री कृष्ण को क्रोध आ गया। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि तुमने ये क्या किया, इतने भीषण युद्ध के बाद आई जीत को हार में बदल दिया। ये युद्ध है, इसमें जुए का नियम मत लगाओ। अगर दुर्योधन ने नकुल सहदेव में से किसी एक को युद्ध के लिए चुन लिया तो ये प्राणों से भी जाएंगे और हमारे हाथ से वो राज्य भी चला जाएगा। कोई लाइफ मैनेजमेंट क्या सिखाता है? आपको किसी भी वादे को करने से पहले उस पर ठीक से विचार करना चाहिए। ऐसे बिना सोचे समझे ही अपना सब कुछ दांव पर नहीं लगाया जा सकता है। तो धन्यवाद। ये 10 लाइफ मैनेजमेंट की चीजें थी जो हमने आपको बताई है। आप इसको गौर कीजिए और पूरे के पूरे पूरा एंड तक वीडियो देखना, अच्छा देखा ही होगा आपने। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद। Thank you.